हेलो एवरीवन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने डायरीज देखा था, अब हम पढ़ेंगे हमारी यूनिट थर्ड के अंदर जो सेकंड एनिमल रहता है, कौन सा है? रूडिनेरिया। इस रूडिनेरिया के बारे में पढ़ेंगे। रूडिनेरिया आप सब लोग जानते हैं, कॉमन नेम की अगर हम बात करें रूडिनेरिया की, तो कॉमन नेम इसका क्या होता है? जोंक, ठीक है, या फिर इसको हम लीच भी बोलते हैं। तो हमारा थर्ड यूनिट का जो ये सेकेंड एनिमल है रूडिनेरिया, इसके हम कमेंट पढ़ेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर आप देखें, तो आप सब लोगों ने बारिश के टाइम पर इस तरह की एक कीड़ा देखा होगा, इस तरह की होती है जिसकी बॉडी, इस तरह की आपको इंसेक्ट हल्के ब्राउन कलर का दिखाई दिया होगा। इसकी पूरी बॉडी जो होती है वो इस तरह से सेगमेंटेड होती है, पूरी बॉडी के ऊपर इस पर क्या पाए जाते हैं, इस तरह के सेगमेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसके अंदर शक्कर पाए जाते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं माउथ वाले, उनको ओरल शक्कर बोलते हैं, पीछे वाले जो शक्कर होते हैं उनको एनल शक्कर बोलते हैं। दोनों ही सरफेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं? शक्कर पाए जाते हैं। बॉडी जो होती है वो इस तरह से सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड होती है, ठीक है। ये जो सेगमेंट होते हैं, इन सेगमेंट को एनुला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनुला। इसके बॉडी के ऊपर ये एनुलाई जो होती है, ये अपन को दिखाई तो बहुत सारे देती है, बहुत सारी लाइंस दिखाई देती हैं, लेकिन इसकी बॉडी अगर ट्रूली अगर देखें तो इसकी बॉडी 33 सेगमेंट की बनी होती है। 33 एनुलाई जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है। कितना होता है? 33 सेगमेंट ही इस लीच के ऊपर पाए जाते हैं। अगर हम इसके अब क्लासिफिकेशन की बात करें, तो सेगमेंटेड बॉडी किस में आती है? हमेशा एनिलिड फाइलम के अंदर आती है। फाइलम इसका कौन सा हो जाएगा? एनिलिडा। अगर हम इसके क्लास की अगर बात करें, तो क्लास इसकी हो जाएगी हिरुडिनिया। हिरुडिनिया कौन सी क्लास होती है इसकी? हिरुडिनिया। हिरुडिनिया इसकी क्लास है। ऑर्डर की अगर हम इसके बात करते हैं, तो ऑर्डर ये आता है मैथोब्लीडा के अंदर। किस में आएगा? मैथोब्लीडा के अंदर। मैथोब्लीडा इसका ऑर्डर होता है। जी जो होता है वो साइलेंट होता है। मैथो का मीन होता है जो। नेथो जो होता है, नेथो का मीन क्या होता है? जॉ, ठीक है। जिसमें जॉ पाए जाते हैं वो क्या हो जाएगा? इसका नेथोब्लीडा। और जीनस अगर हम बात करेंगे, तो जीनस हमारा क्या हो जाएगा? हिरुडिनिया, हिरुडिनेरिया। जीनस हमारा क्या हो जाएगा? हिरुडिनेरिया। और स्पीशीज की हम बात करें, तो स्पीशीज इसकी होती है ग्रैनुलोसा। स्पीशीज होगी ग्रैनुलोसा। अब अगर हम इसके कमेंट्स की अगर बात करें, मैंने आपको बोला कि इसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, लेकिन इसमें ट्रू सेगमेंटिंग शीम जो होता है वो एब्सेंट होता है। ट्रू सेगमेंटेशन जो होगा वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। मतलब वास्तविक जो इसमें विखंडन जो पाया जाता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। हमको ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी जो है वो खंडों में विभेदित है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके सेगमेंट्स जो होते हैं, वो सेगमेंट्स कितने होते हैं? 33 सेगमेंट्स इसमें होते हैं, लेकिन हमें बाहर से देखने पे ये सेगमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं,
ठीक है। इन सेगमेंट्स के बीच में ये क्या पाई जाती है, जो लाइंस जो पाई जाती है, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, एन्युलाई पाए जाते हैं। इन एन्युलाई का नंबर जो होता है वो मोर देन 100 होता है, मोर देन 100। एन्युलाई क्या होंगे, ये जो लाइंस जो बनी हुई है, जो लाइंस जो बनी होगी वो क्या कहलाएगी, एन्युलाई कहलाएगी। लेकिन सेगमेंट अगर हम बात करेंगे, वैसे सेगमेंट इसमें ट्रू सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, लेकिन अगर फिर भी हम इसमें की बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड करेंगे तो कितना सेगमेंट होंगे, 33 सेगमेंट होंगे। और एन्युलाई का नंबर जो होगा वो इसमें कितना होगा, मोर देन 100। ये एन्युलाई जो होते हैं ये इसके ओरल और मतलब डॉर्सल और वेंट्रल दोनों ही सरफेस पर पाए जाते हैं। ऊपर से हम देखेंगे और पीछे की तरफ डॉर्सल और वेंट्रल दोनों ही सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, ये एन्युलाई पाए जाते हैं। इन एन्युलाई का मेन काम होता है, इन्हीं एन्युलाई के अंदर इसके जो रिसेप्टर होते हैं या सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एन्युलाई में क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। इन्हीं एन्युलाई के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन। और इन्हीं सेंसरी ऑर्गन की हेल्प से ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। उसके बाद में इसके अगर शक्कर की बात करें तो उसके दोनों साइड पे ओरल और एनल जो होती है, दोनों साइड पे इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, शक्कर पाए जाते हैं। दो शक्कर इसके अंदर पाए जाते हैं। इन शक्कर की हेल्प से ही क्या करती हैं, फूड को लेती है, गेटिंग फूड। फूड को ये क्या करती है, शक्कर की हेल्प से लेती है। ये पैरासाइट होती है। नेचर की अगर हम इसके बात करें तो इसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, पैरासिटिक नेचर होता है। पैरासिटिक नेचर की मतलब परभक्षी जो होता है या परजीवी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, होस्ट की बॉडी से चिपक जाता है और उस होस्ट की बॉडी से ही ये फूड लेता है। और फूड के रूप में ये क्या लेता है, ब्लड को शक करता है। फूड के रूप में ये क्या लेगा, ब्लड को शक करता है। फिर अगर हम इसके लोकोमोशन की बात करें तो ये दो तरह से लोकोमोशन करती हैं। पहला होता है इसके अंदर ये क्राउलिंग करती हैं। क्राउलिंग मतलब रेंग कर। और दूसरा इसके अंदर आता है, ये जब अगर वाटर के अंदर होती है तब ये स्विम भी करती है, तैर कर। तो ये दो तरह से क्या करती हैं, लोकोमोट करती हैं, एक क्राउलिंग के द्वारा दूसरा स्विमिंग के द्वारा, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है इसके अंदर लोकोमोशन कैसे होगा, इसकी जो बॉडी होगी, बॉडी के अंदर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन पाया जाता है। मतलब पहले जैसे जॉ कितनी लंबी है तो ये जॉ क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ गई। फिर ये जब वापस से क्या करेगी, ये रिलैक्स हो जाएगी, तो ये वापस से, तो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। मूवमेंट करते हुए देखा होगा कि ये क्या करती है, पहले इसकी बॉडी को इस तरह से इकट्ठा कर लेती है, फिर ये वापस से मूवमेंट करती है। तो इस तरह से ये मूवमेंट करती है और होस्ट की बॉडी से चिपक करके ये अपना फूड लेती है। इसके अंदर हम अगर सिस्टम की बात करें तो हमें इसमें कौन कौन से सिस्टम पढ़ना है, तो उसके अंदर क्या आएंगे, सबसे पहला इसका पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसके अंदर इसका पढ़ना है एक्सक्रेटरी सिस्टम। तीसरा इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चौथा इसके अंदर इसका नर्वस सिस्टम। और सेंस ऑर्गन। ये पांच सिस्टम इसको पढ़, इसके यूरिन एरिया के अपन को पढ़ना है। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम,
और इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका डेवलपमेंट जो होता है उसके ऊपर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड पाया जाता है, ओपन टाइप का इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कैसा होता है? ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। तो ये तो था हिरुडिनेरिया का जनरल इंट्रोडक्शन और इसके कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेंस ऑर्गन की बात करेंगे। थैंक यू।